दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हल करने वाला क्लास टेंथ के मैथ का जो चैप्टर है दूसरा, ठीक है, बहुपद। तो बहुपद में देखिए दो ही प्रश्नावली बचा है, और जैसे पुराना वाला बुक था तो उसमें ज़्यादा प्रश्नावली था, ठीक है। नए वाले बुक में थोड़ा सा प्रश्नावली काट दिया है, ठीक है। तो दो ही प्रश्नावली है, जिसमें से प्रश्नावली जो 2.1 है उसको हमने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। और उसमें ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, ग्राफ देखना और उसमें से आपको शून्य बता देना है, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये जो प्रश्न है आपका 2.2 है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से अगर क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांस है, तो देखिए इसको आसान तरीका क्या है। देखिए कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए, ठीक है। हमें इसका शून्य बताना है, उसके बाद से सत्यता की जाँच करना है। तो इसका आसान तरीका क्या है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर एक को ही करते हैं। तो सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, इसका आपको गुणनखंड कर दें, ठीक है। घात में दो है मतलब गुणनखंड हो सकता है इजीली, तो चलिए कर देते हैं। तो गुणनखंड के लिए 8 को कुछ हम ऐसा तोड़ेंगे कि यहाँ पर माइनस है ना, तो घटा करके 2 आ जाए, ठीक है। तो 4 × 8, ठीक है। तो लिख देंगे एक्स का स्क्वायर माइनस में 2 ये वाला। अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा कि हमेशा जो बड़ा होता है उसको पहले लिखा जाता है, छोटा वाला बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 और ब्रैकेट में 4x, यहाँ माइनस है तो माइनस में 2x माइनस का 8, ठीक है। अब इसके बाद से ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो x का स्क्वायर माइनस का 4x, ठीक है। ब्रैकेट पहले माइनस है तो ये वाला बदल जाएगा, अब हो जाएगा ब्रैकेट जब खत्म होगा तो यहाँ पर 2x माइनस का 8 हो जाएगा। कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन हुआ, तो यहाँ पर देखिए 2 बार x है तो 1 x बच जाएगा, 1 x लिख दिया। यहाँ पर 1 ही बार x था तो केवल 4 बचेगा, तो माइनस का 4 यहाँ लिख दिया। अब यहाँ से हम कॉमन क्या लेंगे, तो देखिए 2 यहाँ पर है, इसमें भी हमें 2 मिल जाएगा तो यही वाला कॉमन ले लेंगे। तो 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो x माइनस का 4 बचेगा, ठीक है। इसी से जैसे कि यहाँ पर हमने 2 कॉमन लिया है, ठीक है, तो यहाँ से तो 2 हमने ले लिया, लेकिन इसमें से हम कितना लेंगे तो 4 बचेगा, तो इसी 2 से इसमें आप भाग कर देंगे, ठीक है, तो आपका 4 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर ये दोनों साथ ले लेंगे तो x प्लस का 2 और दोनों सेम है, x माइनस का 4, ठीक है। अब शून्य ज्ञात कर लेते हैं, तो लिखेंगे कि x प्लस का 2 बराबर में 0, तो x बराबर में आपका हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। ये वाला जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इसके बाद से ये वाला भी कर लेते हैं, तो x माइनस का 4 बराबर 0, एक्स बराबर में ये आपका इधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यही दोनों आपका आ गया क्या, शून्य हम कह रहे थे ना ज्ञात करने के लिए, तो शून्य हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब बात आती है कि इसका जाँच कैसे करेंगे, तो सिंपल है, देखिए जाँच। तो जाँच में आपको क्या करना है कि ये वाला जो समीकरण है, ठीक है, ये वाला जो बहुपद है इसी को हम यहाँ पर मान लेंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि माना इसको हम पी एक्स बराबर मान लेते हैं, ठीक है, पी एक्स बराबर में क्या मान लेंगे कि एक्स का स्क्वायर माइनस का 2x, एक्स का स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, ठीक। अब क्या करेंगे, x का मान एक बार माइनस का 2 मिला है, एक बार 4 मिला है, तो इसको हम रख देंगे। तो चलिए पहले माइनस का 2 रख देते हैं, तो p माइनस का 2, फिर यहाँ पर माइनस के 2 का स्क्वायर कर देंगे माइनस का, फिर 2 यहाँ x के स्थान पर माइनस का 2, फिर माइनस का 8 कर देंगे, ठीक है। फिर इसका जब स्क्वायर करेंगे तो देखिए घात में इसके क्या है, एक सम संख्या है, ठीक है। विषम मतलब जैसे 3, 5, 7 ये विषम होता है, 2, 4, 6 ये सब सम होता है, तो घात में जब सम संख्या होता है तो ये वाला माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। घात में कोई भी रहे ये माइनस आपका खत्म रहेगा अगर सम रहेगा तब, तो 2 × 2 ये हो जाएगा 4, इसका जब गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 4, फिर ये माइनस का 8। अब ये दोनों जुड़ जाएगा, इसके साथ घटा देंगे तो आ जाएगा 0, ठीक है। तो अगर ये x की वैल्यू को रखते हैं इस समीकरण में, अगर 0 आ जाता है तो कहेंगे कि ये वाला जो मान है इस समीकरण का, इस बहुपद का शून्यक है, ठीक है। अगर नहीं आता है तो फिर शून्यक नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला भी कर लेते हैं, तो चलिए इस बार हम 4 रख देते हैं, तो p x के स्थान पर 4 रख देंगे, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर माइनस में 2, फिर यहाँ पर 4, फिर माइनस का 8, तो 4 × 4 हो जाएगा 16, 4 × 2 = 8, माइनस का 8, माइनस का यहाँ पर 8, अब ये दोनों भी जुड़ जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल यही वाला जांच था और जो हमने कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए अब, तो अब इसका भी करते हैं, इसका सिंपल इसके साथ गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 को कुछ ऐसा करना है
तोड़ना है कि जोड़े तो कितना आ जाए, चार आ जाए, ठीक है। यहाँ पर प्लस है इसलिए जोड़ करके चार लाना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर लिखना नहीं है, ले मान लेना है कि यहाँ पर चार लिखा है, तो चार को हम दो रूप में तोड़ना है, तो दो दूना चार, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे कि चार यस का स्क्वायर माइनस का, तो दो दो है ना, तो दो एस, ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस का दो एस, फिर प्लस का एक, ठीक। यहाँ लिख देंगे चार यस का स्क्वायर माइनस है, तो ये वाला चिन्ह बदल जाएगा, तो दो एस माइनस का दो एस प्लस का एक। अब इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो दो एस दोनों चीज़ कॉमन हो सकता है, ठीक है, दो भी यहाँ पर मिल जाएगा और यस भी यहाँ पर मिल जाएगा, तो दो एस कॉमन ले लेंगे, दो एस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, तो दो अगर इसमें से निकाल दिए तो बचेगा दो, दो बार यस है तो एक यस बच जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं है, जहाँ पर कुछ नहीं होता है तो वहाँ पर एक होता है, तो यहाँ पर एक हो जाएगा। फिर यहाँ से अब क्या करेंगे, इतना ही यहाँ इस ब्रैकेट में भी रहना चाहिए, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो माइनस का एक कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब दो यस है तो यहाँ पर दो यस रह जाएगा, अब एक कॉमन ले लेंगे तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये वाला एक भी गायब हो जाएगा, ठीक है। एक कॉमन लेने का मतलब होता है कि एक चाहे जहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर आपका एक रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस है, इसकी वजह से ये वाला जब अंदर आएगा तो बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और इसको साथ ले लेंगे, तो दो एस फिर दो एस माइनस का एक, इसको हटा देंगे, ये और ये एक साथ ले लिए, अब इन दोनों में से कोई एक साथ ले लेंगे, दो एस माइनस का एक, मतलब कि दोनों हमारा सेम ही आया है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, आप चलिए फटाफट जांच कर लेते हैं। तो जांच कर लीजिए, दो एस बराबर निकाल लेते हैं कि एस का मान कितना निकलेगा, कि दो एस माइनस का एक बराबर जीरो, तो दो एस बराबर में इसको इधर भेज देंगे तो एक हो जाएगा, तो यस बराबर में दो गुणा कर दिया जाएगा, भाग करेगा तो एक बटे में दो हो जाएगा। सेम इसका भी, ये भी सेम है, तो इसका भी आपका एक बटा दो ही होगा, ठीक है। चलिए जांच में आ जाते हैं, तो जांच में आपका हो जाएगा कितना पी, अब देखिए इसमें क्या है, यक्स तो है नहीं, तो पी एस बराबर मानेंगे, तो पी एस बराबर में कितना हो जाएगा, चार यस का स्क्वायर माइनस का चार यस प्लस का एक, तो एक बटा दो रखना है, तो चलिए रख देते हैं, तो पी और एक बटा दो बराबर में चार गुणे एक बटा दो का स्क्वायर माइनस का चार गुणे एक बटा दो प्लस का एक, ठीक। तो यहाँ पर आपके कितना हो जाएगा, पी एक बटा दो, फिर इसमें क्या हो जाएगा, चार गुणे एक बटा, ये कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, ये चार हो जाएगा माइनस का, इससे हम काट सकते हैं, तो दो बार में, तो दो से एक के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर दो ही रह जाएगा, प्लस का एक, इससे ये आपका कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, एक माइनस का दो प्लस का एक, ये जुड़ जाएगा, दो हो जाएगा, दो में से दो गए आपका हो जाएगा जीरो, ठीक है। अब ये वाला एक बटा दो भी रखेंगे तो अभी इतना ही आएगा, ठीक, ये आपका आंसर हो गया। अब आइए थर्ड नंबर देखते हैं, ठीक है, तो चलिए इसको थर्ड नंबर भी करते हैं। इसमें देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, सात एक्स यहाँ पर है, ठीक है, तो इसको फिर आप कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो इसको हम सही रूप में लिखेंगे, पहले यक्स का स्क्वायर, फिर ये वाला माइनस का सात एक्स, फिर ये वाला माइनस का तीन, अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, छत्री अट्ठारह, ठीक है। तो लिखना तो है नहीं, तो अट्ठारह हम सपोज करेंगे, हम साइड में लिख लेंगे, अब अट्ठारह को कुछ ऐसा तोड़ना है कि माइनस है तो घटाएँ तो क्या आ जाए, सात आ जाए, ठीक है। तो नौ दूना अट्ठारह, नौ और दो के रूप में घटाएँगे तो सात आ जाएगा, तो लिख दीजिए छः एक्स का स्क्वायर माइनस का नौ एक्स माइनस का दो एक्स माइनस का तीन, छः एक्स का स्क्वायर माइनस का नौ एक्स, यहाँ पर अब प्लस हो जाएगा दो एक्स माइनस का तीन, कॉमन ले लेंगे तो इसमें भी तीन, इसमें भी मिल जाएगा तीन, यहाँ पर भी मिल जाएगा एक्स भी मिल जाएगा ये भी, तो तीन एक्स कॉमन ले लेंगे, तो कितना यहाँ पर बचा तीन एक्स में से, तो तीन से इसमें जब भाग कर देंगे तो बचेगा दो, यक्स से जब इसमें भाग करेंगे तो बचेगा एक बार यक्स, अब जब तीन से इसमें भाग करेंगे तो बचेगा तीन, ये बीच वाला माइनस ले लेंगे, और यक्स से भाग करेंगे तो कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर भी तो एक कॉमन ले लेंगे, प्लस का एक, यहाँ पर दो एक्स माइनस का तीन, ठीक है, तो तीन एक्स प्लस का एक, और उसके बाद से दो एक्स माइनस का तीन, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम शून्य निकाल लेते हैं, तो तीन एक्स प्लस का एक बराबर जीरो, तो
तो तीन एक्स बराबर में माइनस का एक, तो एक्स बराबर में आपका हो जाएगा, तीन इधर चला आएगा तो माइनस का एक बटे में तीन। ठीक, अभी ये वाला भी कर लेते हैं, दो एक्स माइनस का तीन बराबर जीरो, तो दो एक्स बराबर में ये इधर जाएगा तो तीन हो जाएगा, तो एक्स बराबर में तीन बटे में दो, ये आपका दोनों शून्य निकल गया। ठीक है, अब जांच करना है तो जांच आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इसमें तो x है तो हम क्या करेंगे, पी एक्स बराबर मान करके अब मान रख देंगे और इसको हल कर देंगे, तो पी एक्स बराबर में तो कितना है, छः एक्स का स्क्वायर, छः एक्स का स्क्वायर माइनस का तीन माइनस का सात एक्स। ठीक है, इसमें देखिए इधर उधर रखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए क्या रखते हैं, तीन बटा दो या फिर एक बटा, चलिए किसी को भी रख देंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो तीन बटा दो रख देते हैं, तो पी तीन बटा दो, तो यहाँ पर छः गुणे तीन बटे में दो स्क्वायर कर देंगे माइनस का तीन, फिर माइनस का सात गुणे तीन बटा दो, अब इसको हल कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, छः गुणे तीन तीन का नौ बटे में चार, उसके बाद से माइनस का तीन, फिर ये सात रही इक्कीस बटा दो माइनस का इक्कीस बटे में दो। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, दो से इसको काट सकते हैं तीन बार में, तो कितना हो जाएगा, दो दो ने चार, दो तीन छः, ठीक है, तीन नौ सत्ताईस, और नीचे यहाँ पर दो बचेगा तो सत्ताईस बटे में दो हो जाएगा माइनस का तीन, फिर माइनस का इक्कीस बटे में दो। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसके हर में भी दो है, इसके हर में भी दो है, इसके हर में क्या है, एक है। ठीक है, कुछ नहीं होता तो एक होता है, तो गुणे दो गुणे दो ऊपर नीचे कर देंगे ताकि इसका भी हर बराबर हो जाए, तो ये आपका हो जाएगा सत्ताईस बटे में दो, फिर यहाँ पर माइनस का छः बटे में दो, फिर यहाँ पर इक्कीस बटे में दो। ठीक है, तो इक्कीस और छः कितना हो जाएगा सत्ताईस, पहले तो आपका सत्ताईस बटे में दो दिया ही है, ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा सत्ताईस बटे में दो, जिससे आपका ये कट जाएगा तो बराबर जीरो आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये वाला जो क्वेश्चन है, आपका तीन क्वेश्चन हमने आपको करा दिया। ठीक है, अब बाकी के तीन क्वेश्चन और है उसको भी देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमने तीन क्वेश्चन और नोट कर दिए। ठीक है, तो चलिए इसको भी हल करते हैं। तो इसमें क्या है, अभी हमने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, जैसे कि इस तरीके का अगर कोई रहता है तो इसका हम गुणनखंड कर देंगे, लेकिन इसका क्या होगा, तो देखिए इसका कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ से जैसे कि यहाँ से चार यू है, और क्या इसमें भी चार यू मिल सकता है, तो मिल सकता है, यू भी मिल सकता है और चार भी मिल सकता है, तो उसी को हम कॉमन कर लेंगे, सिंपल कुछ नहीं करना है। तो चार यू जब कॉमन करेंगे तो चार से इसमें भाग करेंगे तो चार खत्म हो जाएगा। ठीक है, यू से भाग करेंगे तो एक यू बच जाएगा, तो एक यू यहाँ पर लिख देंगे। चार यू से जब इसमें हम भाग करेंगे तो कितना बचेगा, दो बच जाएगा। ठीक है, और यू से यू आपका कट ही जाएगा। ठीक, तो यही इतना बचा बस, सिंपल आपका यही आंसर हो जाएगा। अब यहीं से आपका शून्य निकल जाएगा, चार यू बराबर लिखिए जीरो, तो चार इसको क्या करेंगे कि चार को हम इधर भेज देंगे। ठीक है, इधर बचेगा आपका यू और जीरो, और चार जब इधर जाएगा गुणा कर रहा है इसके साथ में, ये भाग करने लगेगा तो भाग करके यू बराबर आपका जीरो मिल जाएगा। ठीक, पहला मिल गया, दूसरा कि यू प्लस का दो बराबर जीरो, तो u बराबर माइनस का दो, ये मिल गया। ठीक है, चलिए जांच कर लेते हैं। तो जांच, तो इसको हम p u बराबर मानेंगे, क्या मानेंगे, चार u का स्क्वायर प्लस में आठ u। ठीक है, तो क्या रखें, जीरो, देखिए जीरो रखेंगे तो इसका फिर कोई मतलब होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जीरो होगा तो जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा, इसके साथ गुणा करके जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ जीरो रखेंगे तो जीरो के साथ जीरो गुणा करके हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये टोटल जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो माइनस दो रख के दिखा दे रहे हैं, दो माइनस का दो, फिर चार गुणे माइनस का दो प्लस का आठ माइनस का दो, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का आठ, और उसके बाद इसमें घात भी है ना, तो ये घात है। ठीक है, तो देखिए घात की वजह से ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का चार और उसके बाद से गुणे में चार, चार चौका हो जाएगा सोलह, तो ये आपका हो जाएगा सोलह, प्लस का सोलह, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का सोलह। ठीक है, प्लस माइनस आपका कट करके जीरो हो जाएगा, ये आपका सिंपल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला देखिए इसमें क्या मामला होगा,
तो दिया है कि टी स्क्वायर माइनस का 15। ठीक है, अब इसको क्या करें, इसमें तो कोई कॉमन लेने वाला भी नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे कि क्या ये 15 हमारा किसी तरीके से स्क्वायर में हो सकता है क्या। तो देखिए हो सकता है, कैसे, टी का स्क्वायर कर देंगे माइनस का, अब इस 15 को रूट में कर देंगे। ठीक है, अब हम इस पर स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक है, स्क्वायर की वजह से ये वाला रूट खत्म हो जाएगा, फिर से ये आपका अपनी स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मान लीजिए आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर में होता है ए प्लस बी और ए माइनस का बी। ठीक है, ये चीज़ होता है। तो इसको कैसे करेंगे, सिंपल इसी तरीके से कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, टी प्लस का रूट में 15 और फिर टी माइनस का रूट में 15। ठीक, सिंपल आपका आ गया शून्यक। तो टी प्लस का 15 बराबर 0, तो टी बराबर में माइनस का रूट में 15। ठीक है, ये भी आपका रूट में ही रहेगा, पहला निकल गया, दूसरा भी ऐसे निकाल लेंगे। तो टी माइनस का रूट में 15 बराबर 0, तो टी बराबर में ये आपका प्लस का आ जाएगा और रूट में 15। ठीक है, इधर माइनस है, इधर है बराबर, किधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे, जांच कर लेते हैं। तो चलिए जांच में इसको पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पी टी बराबर में, ठीक है, तो टी का स्क्वायर माइनस में रूट का 15। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें हमें हल करना है ना, तो इसको रूट का 15 इस तरीके से लिखिए, ठीक है, या फिर रूट 15 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो टी बराबर माइनस का 15 रख देते हैं, तो माइनस का रूट में 15 और इसका स्क्वायर फिर माइनस में रूट का 15 और इसका हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसके वजह से ये माइनस भी खत्म हो जाएगा और रूट भी खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 15 बचेगा। अब इसके वजह से ये वाला माइनस क्या है, इससे जो ब्रैकेट है इससे बाहर है, तो ये तो ख़त्म नहीं होगा, तो इसके वजह से ये ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा आपका 15। सिंपल आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला भी करेंगे तो इजीली आपका हो जाएगा। ठीक, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए इसको कर लेते हैं, ठीक है, फटाफट। तो इसका गुणा इसके साथ कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 × 4 = 12 हो जाएगा। तो 12 को हमें कुछ ऐसा तोड़ना है कि माइनस है यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब एक है कि घटाएं तो एक है, तो 4 × 3 = 12। चलिए फटाफट कर देते हैं, 3x² माइनस में 4x माइनस का 3x माइनस का 4, फिर 3x² माइनस में 4x प्लस का 3x माइनस का 4। अब इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो 3 तो इसमें मिलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा, जैसे अगर 3 से आप 4 में भाग करेंगे तो क्या 4 कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि 3 नहीं मिलेगा। तो x तो मिल जाएगा, तो x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या बचा, 3, एक x कॉमन में आ गया, एक x बचा, यहाँ पर क्या बचा, 4, तो ये 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से एक कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस का 4, बस यही देखना होता है कि ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो सेम है तो ठीक है, x प्लस का 1 और 3x माइनस का 4। ठीक है, शून्य के निकाल लेते हैं, तो एक्स प्लस का 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर में माइनस का 1, फिर 3x माइनस का 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, चलिए एक बार 3x भी लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, तो 4 हो गया, तो x बराबर में 3 को इधर भेज दीजिए, 4/3, ये 0 निकल गया। ठीक है, जांच करना है तो सिंपल आपको इस तरीके से कर लेना है, ये जांच लिखा तो x है, तो p x बराबर लिखिए, क्या है, 3x² माइनस का x माइनस का 4। ठीक है, तो अब इसको करते हैं, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, सबसे पहले माइनस का 1 रख देते हैं, तो p माइनस का 1 रखेंगे 3, और उसके बाद से माइनस का 1² माइनस में, फिर इसके स्थान पर भी माइनस का 1, फिर यहाँ पर माइनस का 4। ठीक, तो p माइनस का 1, फिर स्क्वायर को जैसे ये तो ख़त्म हो जाएगा, तो 1 × 3 आपका 3 रह जाएगा, ये गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 1। ठीक, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 4। ठीक है, 3 × 1 = 4,
चार माइनस प्लस का चार माइनस का चार आपका हो जाएगा जीरो, कहानी ख़त्म। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना है कि ये सेकंड वाला भी रख करके देख लेना है। ठीक, सेकंड वाला भी रखेंगे तो आपका इतना ही आ जाएगा, ठीक है, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपका जो क्वेश्चन नंबर एक था वो हमने बता दिया। अब दूसरा देखिए, अब देखिए जो दूसरा आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये एकदम से आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बस आपको क्या करना है कि एक फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इस जो क्वेश्चन देख रहे हैं इन सभी को एकदम से ईजिली हल कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है कि यक्स का स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा यक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई है। ठीक है, अब देखिए शून्यकों का योग और गुणनफल ये होता क्या है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ तो पढ़ा होगा ना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या होता है, माइनस का बी बाई ए होता है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या होता है, सी बाई ए होता है। ठीक है, तो कहता है कि इसका जो मान है यहाँ पर दे रखा है ये पहला वाला। ठीक है, पहले क्या दे, शून्यकों का योग कह रहा है ना, मतलब कि जोड़ वाला, तो इसका जो मान है एक बटा चार दे रखा है, एक बटे में चार। ठीक है, और इसका जो मान है यहाँ पर दे रखा है माइनस का एक, माइनस का एक। सिंपल हमें क्या करना है कि फॉर्मूला में ये वाला इतना दिया ही है, इसी के स्थान पर ये वाला मान रख देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला वाला करते हैं। तो देखिए यक्स का स्क्वायर माइनस में इसके स्थान पर एक बटे में चार और यक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा का मान माइनस का एक बराबर में जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर अब कितना हो जाएगा, यक्स का स्क्वायर माइनस में एक्स बटे में चार प्लस का, अब ये क्या है, माइनस का एक है तो माइनस का एक बराबर में जीरो कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, हर बराबर कर देंगे, चार से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यहाँ भी चार से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, क्या कितना हो जाएगा, चार चार, इधर भी आपको चार से, इधर भी आपको चार से, तो कितना हो जाएगा, चार यक्स का स्क्वायर बटे में चार। अब यहाँ पर क्या हो, इसके नीचे तो ये है तो एक्स बटे में चार, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका चार बटे में चार हो जाएगा बराबर जीरो। ठीक, हर तो बराबर है तो इसको लिख सकते हैं ऐसे कि चार यक्स का स्क्वायर माइनस का यक्स माइनस का चार सबके बटे में चार बराबर जीरो, जब हर बराबर हो तो ऐसे लिख सकते हैं। अब इस चार को इधर कर देंगे तो जीरो के साथ में गुणा करके चार खत्म हो जाएगा, तो ये बचे कितना है, यक्स का स्क्वायर माइनस का यक्स माइनस का चार। ठीक, सिंपल यही वाला हमें निकालना था। ठीक है, उम्मीद है कि चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा वाला आप देखिए किस तरीके से हम निकालते हैं इसको, फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, तो चलिए सेकेंड वाला इसको निकालते हैं। तो यक्स का स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर रूट दो, चलिए रूट दो हो गया, यक्स है यक्स हो गया, प्लस में अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर एक बट्टा तीन, चलिए हो गया बराबर जीरो। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं एक है, इसके नीचे कुछ नहीं एक है, इसके नीचे तीन है, तीन से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे सब में, तो यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तीन यक्स का स्क्वायर बट्टे में तीन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें करेंगे तो तीन रूट में एक्स बटे में आपका तीन हो जाएगा, प्लस में एक बटे में तीन बराबर में जीरो है। ठीक, सबका हर बराबर है तो लिख लेंगे तीन यक्स का स्क्वायर माइनस में तीन रूट में, रूट में दो है और साथ में यक्स है, सॉरी इसके लिए, और साथ में यक्स है, रूट में दो साथ में यक्स है, प्लस का एक बटे में तीन बराबर जीरो, इसको भेजेंगे इधर, बचेगा आपका तीन यक्स का स्क्वायर माइनस में तीन रूट में दो एक्स प्लस का एक बराबर जीरो। ठीक है, आपका ये आंसर आ गया। ठीक है ना, अब इसके बाद से देखिए अगला नंबर जीरो का मैं पाँच है। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं। तो फॉर्मूला एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ कि यक्स का स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और उसके बाद से प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर जीरो। ठीक है, तो ये आपका क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये आपका अल्फ़ा इंटू बीटा है, तो यक्स का स्क्वायर माइनस में जीरो और गुणे में एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा के स्थान पर रूट में पाँच बराबर जीरो, तो आपका जो आएगा एक्स का स्क्वायर ये तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो के साथ गुणा करके जीरो, प्लस का रूट में पाँच, सिंपल आपका बराबर में जीरो, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा देखिए,
तो चौथा में आपका क्या है, एक कॉमा एक है, ठीक। तो सिंपल यही वाला फॉर्मूला, यक्स का स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान पर एक, और यक्स अल्फ़ा इंटू बीटा के स्थान पर एक बराबर में जीरो। तो यक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स, ठीक, प्लस का एक बराबर में जीरो, सिंपल आपका आ गया, ठीक है। तो देखिए ये सारा जो चीज़ है ये इजीली आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये वाला फॉर्मूला पता रहेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये बहुत जगह काम आता है, आपको कठिन हो सकता है। क्या है, माइनस का एक बटे में चार कॉमा एक बटे में चार, ठीक है। तो इसको कैसे हैं, देखिए लास्ट वाला आप स्वयं करिएगा, ठीक, लास्ट वाला ईजी है। तो यहाँ पर क्या है, फॉर्मूला दिख रहा है, तो यक्स का स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान पर ये वाला, तो माइनस का एक बटे में चार, साथ में यक्स है तो यक्स लिख लेंगे, प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा के स्थान पर एक बटा चार बराबर में जीरो। तो इसका गुणा इसके साथ होगा तो प्लस हो जाएगा, फिर इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो यक्स का स्क्वायर प्लस में इसका इसके साथ हो जाएगा, तो एक्स बटे में चार प्लस में एक बटे में चार बराबर जीरो। अब इसके साथ क्या करेंगे, चार से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये जब गुणा करेगा तो यक्स का स्क्वायर बटे में चार प्लस में एक्स बटे में चार प्लस में एक बटे में चार बराबर जीरो, ठीक है। तो इसको लिखेंगे यक्स का स्क्वायर प्लस में यक्स प्लस में एक बटे में चार बराबर जीरो, इसको भेज देंगे इधर, तो आपका कितना हो जाएगा, ये इसके साथ गुणा करके जीरो हो जाएगा, तो बचेगा चार यक्स का स्क्वायर प्लस में यक्स प्लस में एक बराबर जीरो, आपका आ जाएगा आंसर, ठीक। अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन बचा है उसको आप स्वयं करिए, आसान सा प्रश्न है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।